हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे विटामिन ई कैप्सूल के बारे में। मैं आज आपको बताऊंगा विटामिन ई कैप्सूल किस काम में आता है और इसको कैसे यूज कर सकते हैं और इसको कौन कौन यूज कर सकता है। विटामिन ई जो कैप्सूल है, इसमें कई तरीके के ब्रांड आते हैं जो आपको मार्केट में नॉर्मली मिल जाएंगे। जो मेरे पास इस टाइम है वो इवियन 400 है, जो कि सबसे अच्छा और सुपीरियर ब्रांड है, जो कि आपको हर केमिस्ट पर मिल जाएगा। इवियन 400 जो है वो एक विटामिन ई कैप्सूल है। इसमें 3 mg आती है, 200, 400 और 600। जो सबसे सुपीरियर, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है 400 mg। ये आप नॉर्मली हर केमिस्ट से मिल जाएगा आपको, आप ले सकते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा विटामिन ई कैप्सूल किस काम में आता है, इसको कैसे यूज कर सकते हैं और इसको कौन कौन यूज करता है। विटामिन ई जो कैप्सूल है वो एक स्किन सप्लीमेंट होता है। स्किन सप्लीमेंट से मतलब ये होता है हमारा कि स्किन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है तो इस सारी सिचुएशन में आप विटामिन ई कैप्सूल को ले सकते हैं, खा सकते हैं और लगा भी सकते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा इसको कैसे यूज किया जाता है, किस सिचुएशन में आप इसको कैसे यूज करना है और इसको कैसे वर्क करता है और कैसे आप इसको खा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी के बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मान लो हेयर फॉल हो रहा है, डैंड्रफ हो गए हैं और बाल काफ़ी झड़ते हैं, तो इस सिचुएशन में भी आप इवियन 400 विटामिन ई का उपयोग कर सकते हैं। बात करते हैं कि इसको यूज कैसे करेंगे। जैसे मान लो आप किसी को हेयर फॉल हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, किसी की स्काल्प काफ़ी ड्राई हो जाती है, तो इस सिचुएशन में इवियन 400 कैसे काम करता है और उसको आपको कैसे यूज करना है। इसको सिंपली ऐसे करना होता है यूज कि आप सुबह शाम एक एक कैप्सूल इसको खा सकते हैं। जो इसका वर्क होगा वो इंटरनली होता है, जो इंटरनली ये वर्क अच्छे से करेगा। ये क्या करेगा, ये आपके बालों की ग्रोथ अच्छी करेगा। जो बाल झड़ रहे होंगे, डैंड्रफ हो रहे होंगे, उनको भी वहीं रोक देगा। दूसरी सिचुएशन में ये होता है कि आप इस कैप्सूल को अपने बालों पे लगा भी सकते हैं। लगाने का तरीका सिंपल होता है, कैप्सूल लेना है आपको तोड़ के, जो इसमें से सुपीरियर निकलेगा दवाई, उसको बालों पे लगा के हल्के हाथ से मसाज करनी है और बालों को छोड़ देना है। ये आप वीकली में 2 से 3 बार कर सकते हैं लगाने का, जो आप अपने बालों पे लगा सकते हैं। बाकी कैप्सूल सुबह शाम मॉर्निंग इवनिंग आप खा सकते हैं। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपको धीरे धीरे हेयर फॉल की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी और डैंड्रफ भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी सिचुएशन में हम इसको कैसे यूज करते हैं, जैसे कि मान लो किसी के फेस पे पिंपल्स के निशान हो गए हैं या डार्क सर्कल के कोई निशान है, स्किन ड्राई रहती है, स्किन पे झुर्रियाँ हो गई हैं, जो भी फेस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, उस सिचुएशन में भी आप इस इवियन 400 का उपयोग कर सकते हैं विटामिन ई कैप्सूल का। इसको लगाने का और खाने का तरीका क्या होगा, इस सिचुएशन में मान लो किसी के डार्क सर्कल हो गए हैं और स्किन काफ़ी ड्राई है और झुर्रियाँ पड़ गई हैं, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सिंपली जैसे मान लो कोई 20 साल या 15 साल का है तो सुबह शाम एक एक कैप्सूल आपको खाना है और डेली नाइट में सोते समय एक कैप्सूल लेना है, उसको तोड़ना है, जो भी इसकी दवाई निकलेगी उस दवाई पे दवाई को अपना नॉर्मली आपको केमिस्ट से मिल जाएगा बादाम का ऑयल। जो बादाम ऑयल आता है, जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, बादाम रोगम बादाम ऑयल आता है, उस ऑयल को लेना है, 4-5 बूंदें डालनी है इसमें एक कैप्सूल में, उसको अच्छे से मिक्स करके जिस पार्ट पे आपको लगाना है, जहाँ पे स्किन ड्राई हो गई है या ब्लैकनेस आ गई है या डार्क सर्कल का कोई निशान है, उस सिचुएशन पे उस पार्ट पे इसको और ऑयल को मिक्स करके हल्के हाथ से लगा के, हल्के हाथ से मालिश करके छोड़ देना है। ये आप डेली कर सकते हैं नाइट में सोते समय, कोई दिक्कत नहीं है। डेली आप एक हफ्ते तक जब आप ऐसे ही इसको उपयोग करेंगे, जो आपके डार्क सर्कल या किसी पिंपल्स के निशान है या स्किन ड्राई हो गई है, वो आपको सही होती हुई नज़र आएगी। बहुत अच्छा वर्क करता है, तरीका इसका यही है, बस लोगों को पता नहीं है कि इसको कैसे यूज किया जाता है। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड, आपको समझना आया हो और किसी और सिचुएशन में आप इसको यूज करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हो, मैं आपको इसका दोबारा वीडियो और इसके बारे में भी आपको और अच्छे से बता दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ मैंने आपकी नॉलेज को बढ़ाया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो मैं और अच्छी वीडियो लेके आता रहूं और आपकी नॉलेज को बढ़ाता रहूं। तो थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।